जितना कैमरे में आ रहा है ना उससे ज्यादा आंखों में दिख रहा है सब। और हमें वहाँ जाना है ऊपर। मुल्यानगिरी कर्नाटक का हाईएस्ट पीक है। मजा तो आ रहा है। थोड़ा सा जैम लगा है क्या? ज़िगज़ैग रोड है यहाँ पे। अभी मौसम थोड़ा खराब होने की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन है कुछ देर। यहाँ से 3 किलोमीटर की और चढ़ाई बची हुई है। सीरियसली बहुत अच्छी जगह है। Hey guys, welcome back to our channel. आज हम निकल चुके हैं चिकमंगलूर के लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे को आपको रोड दिखानी है, देखो कितनी सुंदर है। ग्रीनरी बहुत अच्छी हो गई है। ये सारे वेरिएंट ट्रीज हैं, बरगद के पेड़ दोनों तरफ। सो अभी बज रहा है 12:30। थोड़ा बहुत रेडी होके हम निकल चुके हैं खाना खाने के। इसके बाद हम जाएंगे सबसे पहले मुल्यानगिरी। अभी देखो मौसम ऐसा हो रहा है, देख रहे हो पानी गिर रहा है। अभी मौसम थोड़ा खराब होने की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन है। मुल्यानगिरी कर्नाटक का हाईएस्ट पीक है। हमने ये मैप लिया है। तो चलो हम सबसे पहले खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो हम अभी खाना खाने यहाँ पे आए हैं। हमको कुछ समझ नहीं आया, गूगल ने जो बताया उधर आ गए हैं। मैडम का छाता निकल गया है। सालों पुराना। क्या मैडम खाना नहीं आ रहा है क्या तुम्हारा? 20 मिनट लगेंगे, टाइम लग रहा है। मौसम अच्छा हो रहा है, पहाड़ों में मस्त बादल हो रहे हैं। मुल्यानगिरी लेफ्ट है ना? मुल्यानगिरी हाँ, यहीं कहीं होगा। और बादल दिख रहे हैं पहाड़ों पे अभी तो। अभी आप दिखे पता नहीं। अच्छा, इस रास्ते में आपको जब आप ये पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दोगे ना तो आपको बहुत सारे होम स्टेज मिलेंगे, बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं। यूँ आपको रास्ते में विजिबल नहीं होंगे, वो थोड़ी सी पगडंडी सी जाती है, एक छोटा सा रास्ता जाता है, फिर आगे जाके उनका पूरा घर सेटअप है। और देखो यहाँ पे पेड़ भी टूटे हुए हैं काफी। ये है थोड़ी घूमने लायक जगह यार, कुछ एक्सपीरियंस है यहाँ पे। पानी आया है। बाप रे, पत्थर कैसा टंगा है। भाई मत ठंडी हो रहा है रे। ठंडी हो रहा है। मुल्यानगिरी 3 किलोमीटर और अभी 3 किलोमीटर अनु। तो रिस्की तो है लेकिन इतना भी नहीं जितना मेरे को लग रहा था। सावधानी से बस चलो आप। रेनकोट लाना चाहिए था। अनु बैठी हुई है बढ़िया, बाहर नहीं आ रही, गीली नहीं होना चाहती। जितना कैमरे में आ रहा है ना उससे ज्यादा आंखों में दिख रहा है सब। पूरा पानी पानी है, इतना नहीं दिख रहा है। सो हम यहाँ पे मुल्यानगिरी आए हुए हैं। मतलब हमको जाना था मुल्यानगिरी, थोड़ा सा और आगे है, बट वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया। अभी मौसम आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना सही हो रहा है।
तो जैम के कारण रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कुछ कुछ घंटे में, कुछ कुछ बैचेस में कार्स को आगे जाने दे रहे हैं। प्राइवेट कार अलाउड है बट हाँ वो थोड़ा टाइम में बैचेस में छोड़ रहे हैं। तो 5-10 मिनट बाद हमको वापस से जाने को मिलेगा, वापस से गेट ओपन होंगे, तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं फिर क्या होता है, आपको बताते हैं। सो फाइनली बैरिकेड्स ओपन हो गए हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर की और चढ़ाई बची हुई है। थोड़ी बारिश हुई है, यहाँ पे घना जंगल है। वाह बहुत सुंदर है, क्या बात है, क्या बात है, बेहद खूबसूरत। यार इस मौसम में जरूर आओ चिकमंगलूर, इस मौसम में जरूर आओ चिकमंगलूर, बहुत सुंदर हो रखा है सब, बहुत ही सुंदर हो रखा है। और फॉग है, बादल है, बारिश है, आगे तो रोड दिख रही है, बस यही की दिख रही है, ये जितना आप देख पा रहे हो बस इतनी दिख रही है। अभी जुलाई का समय चल रहा है, अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप जरूर आना, बहुत अच्छा है, अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। देखो आगे तक का कुछ भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जैम लगा है, बहुत सुंदर है, सुंदर है मैं क्या बताऊं क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखो फाइनली हम आ गए हैं और आप देख सकते हो पता नहीं कुछ दिख नहीं रहा है नीचे का, इसको देखो चश्मा उतार के दिख नहीं रहा था कुछ भी, और हवा चल रही बहुत तेज और ट्रैफिक इतना जैम है कि सब जगह देखो सड़क पे ही लोगों ने गाड़ियां लगाई, आगे पार्किंग होगी शायद से, है मेरे ख्याल से, मतलब मैं पहले आया था तब थी बट लोग वहाँ नहीं लगा रहे हैं, सड़क पे लगा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा धुंध है, बारिश है, बारिश तो नहीं है मतलब बीच में आई थी बट अभी नहीं है। भाई साहब गजब गजब, मेरी आवाज़ शायद से मैंने मीडियम मोड हटा दिया तो आवाज़ अच्छी आ नहीं रही होगी। सो हमको पता चला ट्रैफिक थी, पार्किंग में तो जगह थी बट लोगों को समझ नहीं आ रहा धुंध के कारण कि आगे जैम है नहीं है, बहुत से लोग खड़े हैं आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वेट कर रहे हैं जगह होने का, और बहुत से लोग आ जा रहे हैं फंस जा रहे हैं, फिर पलट मतलब टर्न नहीं कर पाते हैं, रिटर्न नहीं हो पा रहे, गाड़ी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे मौसम में पहली बार आया हूँ। पहले जब मैं आया था तो सनराइज के टाइम पे आया था और सारा कुछ नीचे से फ्लैट था, सामने सन था, छोटे-छोटे से बादल थे और अपन सबसे ऊपर, हाय हाय गजब। केसरिया तेरा इश्क है पीला। सोम पीक पे आ गए हैं, साला कान दुख रहे हैं यार, दोनों कान बहुत जोर से दुखने लग गए मेरे, और काफ़ी लोग हैं वैसे यहाँ पे लेकिन बहुत ही खतरनाक हवा चल रही है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही बढ़िया मौसम है यार, बर्थ हो गया आज का आना हमारा। कैसा लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, वैसे यहाँ पे हल्का हल्का पेन हो रहा है, ये जो पीले पीले लोग दिख रहे हैं ना इनने यहाँ पे आके रेनकोट खरीदा है, हमने नहीं लिया वैसे लेकिन ले सकते थे, गीले हो भी रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। हाँ गीले भी हो जा रहे हैं, सूख भी जा रहे हैं, चालू होता है वहाँ तक पहुँचता, गीले हो गीले हो चुके हैं। इनको देखो, इनके बाल देखो,
मेरू हवा होगा बिल्कुल, ड्रॉपलेट जमा है। अंदर जा रहे हैं, पूरा बर्फ है, पत्थर। वही मेरे बर्फ हो रहा है, पत्थर। और अब हम आ गए हैं ऊपर। यहाँ पे एक छोटा सा मठ टाइप का है या मंदिर जैसा है कुछ आप बोल सकते हो, यही है बस मंदिर। वो दोनों है ना, ये थोड़ी डग डग तो नहीं कर रहा ना। ठीक है, आई डोंट नो कितनी आवाज आ पा रही होगी आपको। ठंडा है और बर्फ का पानी और तेज हवा चल रही है और लगातार चल रही है, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर चली और रुक गई, लगातार चल रही है और कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मज़ा तो आ रहा है, पता नहीं आपको कितना विजिबल हो रहा है, पर ये देखो बादल। अरे आप बादल देख रहे हो, सीरियसली बहुत अच्छी जगह है, एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। और ट्राई करिएगा कि ना मॉनसून के समय आए तो आप इतनी तैयारी से आना ताकि आप पूरा मज़ा ले सको और बीमार भी नहीं पड़ो। वहाँ ऊपर जो मैंने आपको बताया था ना मंदिर जैसा है, वो मंदिर जैसा नहीं, एक्चुअली शंकर भगवान का मंदिर है। दर्शन कर लिए और अब हम सीधा नीचे उतरेंगे। GoPro की बैटरी भी कम हो गई है और शायद अब हम रिकॉर्ड नहीं करें क्योंकि स्लिपरी हो गया है, और हमारी बैटरी भी कम हो गई है, स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम उतरने में ध्यान देंगे। मिलते हैं आपको गाड़ी पे। देखो यार अभी साला ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब कान को गर्म होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। फ्रीजिंग टेम्परेचर यहाँ पे, पूरा उंगलियाँ दर्द कर रही है, हाथ दर्द कर रहे हैं। खड़े भी नहीं रह पा रहे। इधर क्या है, देख के आते हैं यार थोड़ा। क्या हो गया, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही टाइम पे आ गए। देखो खास बात पता है क्या है, हैवी रेन नहीं हो रहा है। हाफ निकल रही है, हम मैगी खा रहे हैं यहाँ पे, 40 rupees का मैगी है, 10 rupees की कॉफ़ी है, और यहाँ मेला लगा दिया है। मैगी चल रही है बहुत तेज यार, लोग आए जा रहे, रुक ही नहीं रहे, थक ही नहीं रहे, सबकी हालत पतली है इधर। देखो यहाँ पे खाओ गली बना हुआ है, और मैडम आप दूसरी चीज़ निपटा रही है, क्या है ये, स्वीट कॉर्न। मन कर रहा है हमें
का बन गया मूड और इनको चाहिए भी आइसक्रीम। अब आइसक्रीम कहाँ से मेरे को अभी अभी आइसक्रीम। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।